खबर झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से है, जहां गुरसराय से कानपुर जा रहे ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं ट्रक चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक के चालक चांद और क्लीनर अंकित ने बताया कि वह लोग कानपुर क्षेत्र के निवासी हैं और गुरसराय से कानपुर जा रहे थे। जैसे ही ग्राम अस्ता के पास पहुंचे, तभी ट्रक में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज क्या घटना घटी जी, गाड़ी के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, सुबह लेके आ रहे थे इसको 8 बजे के लमसम टाइम, और चलते चलते इसमें आग लग गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम यहाँ से गुरसराय से जा रहे थे कानपुर। आग कहाँ पे लगी और कैसे लगी, क्या कारण रहा आग लगने का? आग का कारण ये था कि बस सुबह सुबह आपने शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आपने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी थी? बिल्कुल दी थी। मौके पे आई थी गाड़ी? हाँ, फायर ब्रिगेड आई थी, 100 नंबर आई थी, थाने से भी आए थे, सब लोग आए थे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।